Today in ornamental gardening, I am going to tell you how you fill the pot and plant in the pot. गमले को भरना तथा उसमें पौधा लगाना. How you fill up the pot and plant in the pot. First of all, in this process, you have to see. In this, जब आप पॉटिंग करेंगे या गमला भरेंगे तो पहले आपको ये देखना है कि हमारा गमला नीट एंड क्लीन है कि नहीं, किसी तरह चटका वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रैक है तो दिक्कत होगी, बाद में आपकी मेहनत बेकार होगी, इसलिए पहले देखना चाहिए. और इसके बाद देखना चाहिए कि एक्सेस वाटर जो गमले में पहुंचता है उसके निकालने के लिए बीच में छेद होना चाहिए कि नहीं. देखिए यहाँ पर छेद है बीच में, तो ये छेद जो होना चाहिए, अगर छेद नहीं तो आपका जो एक्सेस वाटर होगा वो निकलने में दिक्कत होगी, इसलिए ये क्रिया देखनी चाहिए. इसके पश्चात इसके बॉटम में एक कोई खपड़ा क्राक का टुकड़ा रख देते हैं, जो कि इसका ऊंचा उठा हुआ भाग ऊपर रहता है तथा खाली भाग नीचे रखता है. देखिए मैं इस पर रख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं. इसके बाद छोटे छोटे ईंटें टिकले इसके अगल बगल में इस प्रकार रख देना चाहिए कि सेटअप हो जाए. ईंटे के टुकड़े देखिए मैं रख रहा हूँ. ये एक्सेस पानी जो आवश्यकता से ज़्यादा पानी गमले में भर जाएगा वो आराम से इसे ड्रेन हो जाएगा, तो ये क्रिया आपको करनी है. इसके पश्चात फिर जो सैंड होती है बारीक मोरंग, वो इसके ऊपर डाल देनी इस प्रकार से कि ये लेवल में आ जाए, जो गमलों ईंटों के बीच में कंकड़ों के बीच में खाली स्थान है वो सब फिलअप हो जाए. देखिए मैं बालू डाल रहा हूँ, इसमें सैंड डाल रहा हूँ, तो ये पूरा इवन पोजीशन में आ जाएगा. देखिए ये अब आ गया, आप देख सकते हैं इसको. इसके पश्चात कंपोस्ट तथा सॉइल, कंपोस्ट मिली सॉइल इसमें भर देंगे, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए. देखिए मैं भर रहा हूँ इसमें. और इसके ऊपरी भाग को थोड़ा खाली रखना चाहिए, जिससे पानी जब आप डालें तो पानी अगर मिट्टी में डायरेक्ट डालोगे तो आसपास की जगह गंदी हो जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ी जगह खाली रखनी चाहिए. मम्मी देखिए इसमें जो ये पिंडी होती है इसकी पॉलीथीन को हटा देना है, और ध्यान रखना है कि पिंडी न टूटे. ये बाल जो है उसको मैं हटा रहा हूँ, पॉलीथीन हटा रहा हूँ, और इसको सेंटर में लगाना है. यू हैव टू प्लेस इट इन द सेंटर ऑफ द पॉट. इसको मैंने सेंटर में रख दिया है. इसे ये पाम का पौधा जो कि मैं लगा रहा हूँ, और इसकी ऊपर चारों तरफ मिट्टी दबा देते हैं. देखिए मैं मिट्टी दबा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं. बीच में मिट्टी थोड़ा सा ऊंची रखनी चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए. बीच में मिट्टी थोड़ी ऊंची रहे तथा नीचे इधर उधर खाली रहे, तो इससे आपको एक्सेस वाटर बहने में आसानी रहेगी तथा प्लांट का लुक भी अच्छा रहेगा. देखिए सर इसमें क्या पूरी मिट्टी नहीं भर सकते? पूरी मिट्टी इसलिए नहीं भरते कि अगर आप कहीं पे पानी ऊपर से डालेंगे तो इसमें छींटे पड़ेंगे, और ये आपकी नियर की ज़मीन जो है गंदी हो जाएगी, जो नहीं रहते, इसलिए थोड़ा सा खाली रखते हैं, और इसमें पानी भी आ जाता है, इसलिए लगभग 2-3 इंच 4 इंच ऊपर से मिट्टी खाली रखते हैं, पूरी नहीं भरते. सर ये जो बीच में पत्ती सूख गई है, क्यों सूख गई, और फिर से हरी करना चाहें तो हरी हो जाएगी? ये हरी नहीं होगी, इसको निकाल देंगे क्योंकि ये डेड हो, कुछ दिन बाद कैंची से काट देनी चाहिए. देखिए पॉटिंग और प्लांटिंग हो गई, ये वेल डन कम हो गया. अब इसको थोड़े दिन आप ओस में खुले, अभी शाम को मैं ओस में रख दूंगा, जिससे रात में सेटअप हो जाएगा पौधा. और इसके बाद में आप ये इंडोर प्लांट है, आप इसको जहाँ पे थोड़ी बहुत मॉर्निंग धूप आती है वहाँ पे आराम से रख सकते हैं. ये आपका पॉटिंग और प्लांटिंग हो गई, मैंने आपको बता दिया. आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल.